गीति शर्मा। शुरुआत मध्य प्रदेश के साथ। बीजेपी इस बार सभी 29 सीटों पर जीतने का दावा ठोक रही है। पिछली बार बीजेपी ने 28 सीटों पर जीत दर्ज की, लेकिन इस बार बीजेपी 2019 के मुकाबले ज्यादा अंतर से जीतने का दावा कर रही है। क्या है इस दावे की वजह, रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 400 पार करने का लक्ष्य रखा है, तो मध्य प्रदेश में बीजेपी सभी 29 सीटों को जीतने का संकल्प लेकर चल रही है। 2019 के चुनावों में बीजेपी ने प्रदेश की 28 सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि प्रत्याशियों की जीत का अंतर काफी ज्यादा होगा और इसके पीछे का कारण है मध्य प्रदेश में बढ़ रहे वोटर। तो कांग्रेस से बीजेपी में आने वाले नेताओं की बढ़ती संख्या भी इस ओर इशारा कर रही है कि बीजेपी का वोट शेयर इस बार काफी ज्यादा पहुंच सकता है। साल 2019 में उम्मीदवारों के जीत का अंतर देखें तो 3 सीटों पर 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीती थी बीजेपी, 4 सीटों पर 4 लाख वोटों के अंतर से जीती थी बीजेपी। नर्मदापुरम में 5.5 लाख वोटों से हुई थी जीत। इंदौर में 5,47,000 से ज्यादा वोटों से जीत हुई थी। विदिशा में भी 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीत हुई थी। खजुराहो में 4,92,000 से ज्यादा वोटों से जीत हुई थी। जबलपुर में 4,54,000 से ज्यादा वोटों से जीत हुई। राजगढ़ में 4,31,000 से ज्यादा वोटों से जीत हुई थी। शहडोल में 4 लाख से ज्यादा वोटों से बीजेपी की जीत हुई थी। इसके साथ बाकी सीटों का अंतर भी 2 से 3 लाख के करीब था, तो कहीं 1 लाख से ज्यादा मार्जिन था। लेकिन बीजेपी इस बार उन सीटों पर ज्यादा वोटों का अंतर लेकर चल रही है जहां पिछली बार 1 से 2 लाख वोटों से जीत हुई थी। इसकी वजह है मध्य प्रदेश में इस बार करीब 4 लाख वोटरों की संख्या बढ़ी है, तो वहीं कांग्रेस के कई दिग्गज नेता और छोटे बड़े कई नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। ऐसे में आकलन के मुताबिक उनके परिवार और समर्थक भी उनकी पार्टी को ही वोट करेंगे। शायद यही वजह है कि बीजेपी बड़े अंतर से जीत की बात को बार बार दोहरा रही है। देखिए, मोदी जी ने मंत्र कहा है कि इस बार हमें 370 सीट के लक्ष्य के साथ काम करना है और हर बूथ के ऊपर 370 वोट बढ़ाना है। तो मध्य प्रदेश के भाजपा के संगठन ने इसको एक संकल्प के रूप में लिया है, लगातार उसको लेकर अभियान जारी है। गांव चलो अभियान हुआ, बूथ संकल्प अभियान है, हमने सभी हमारे बूथ की जो भी टीम है उसको टारगेट दिया है 370 बूथ पे, हर बूथ पर वोट बढ़ाना है। उसको लेकर हमारे सतत दौरे, संवाद, हर बूथ पे मीटिंग, यदि बैठक, विजय संकल्प अभियान, तमाम अभियान जारी है और ये हम इस संकल्प को हासिल करेंगे। और मध्य प्रदेश के अंदर हमारा जो वोट प्रतिशत 10% बढ़ाने का लक्ष्य है, जो हर बूथ पे 370 वोट बढ़ाने का लक्ष्य है, उसे हम हर हाल में पूरा करेंगे। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि इस बार कई सीटों पर परिणाम उनके पक्ष में आएंगे, क्योंकि लोकसभा स्तर पर विधानसभाओं को देखा जाए तो ऐसी कई लोकसभा सीटें हैं जिनमें आने वाली विधानसभाओं में ज्यादा से ज्यादा विधायक कांग्रेस के हैं और बीजेपी के कम। इसीलिए कांग्रेस भी कई सीटों पर जीत का दावा कर रही है। कांग्रेस का वोट परसेंट कुछ ही घंटों में, जैसे हमारी लिस्ट डिक्लेयर होगी, वोट परसेंट जंप हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी गर्व में आ जाएगी। जितना भारतीय जनता पार्टी सुनियोजित ढंग से एक कुप्रचार करने में लगी हुई है कि कांग्रेस कमजोर हो गई, कांग्रेस को कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं, कांग्रेस खाली हो रही है, मोहन यादव साहब और नरोत्तम मिश्रा जी जाकर आईसीसी के बाहर देख लें तो उन्हें मालूम पड़ जाएगा कि कितनी भीड़ टिकटार्थियों की वहां लगी हुई है। लिस्ट आ जाने दीजिए, ये सारे झूठ बोलने वाले उस लिस्ट के बाद आपको दिखाई नहीं देंगे, आप ढूंढते रह जाएंगे। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इस बार का लोकसभा चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है, जहां बीजेपी मोदी की गारंटी के नाम पर ज्यादा सीटें बड़े अंतर के साथ जीतने का दावा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस इन सीटों पर हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम के आधार पर लोकसभा की कुछ सीटों पर परचम लहराने की कोशिश में जुट गई है। फिलहाल देखना होगा मध्य प्रदेश की जनता क्या तय करती है। भोपाल से अतुल शर्मा के साथ टीम न्यूज़ 18।